हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के लिए टॉप 20 क्वेश्चन को बताने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला जो आपका प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके बाद से इसका मात्रक व बीमा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका क्या होता है, तो देखिए दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, यहाँ पर देखिए बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए आपका प्रश्न में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या बोल रहा है कि दो विपरीत आवेश, तो दो विपरीत आवेश मान लीजिए कि एक आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक आपका प्लस क्यू और दूसरा आपका क्या है माइनस का क्यू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका प्लस क्यू है और माइनस क्यू, ये आपका विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इसमें आपका बोल रहा है कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इनकी बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो आपका कितनी होती है, 2L होता है। कितना होता है, 2L होता है। तो इसमें से किसी एक का परिमाण, अब देखिए परिमाण की बात यहाँ पर किया जाए तो देखिए, यदि आपका 5 कूलाम दिया है प्लस क्यू और दूसरा आपका दिया आवेश माइनस का 5 कूलाम, तो देखिए इसमें से आपका परिमाण क्या हो जाएगा, 5 कूलाम होगा, न कि आपका माइनस का 5 कूलाम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाण आपका कोई भी q ले सकते हैं या माइनस q, में आपको क्या लेना है, केवल प्लस वाला लेना है। ठीक है, आपको माइनस नहीं लेना है। यहाँ पर आपका दिया प्लस का 5 कूलाम माइनस का 5 कूलाम, तो यानी कि आप 5 कूलाम ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा कि किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण क्यू और उनके बीच की जो अल्पतम दूरी क्या दिया है, 2L, तो इनका जो गुणनफल होता है यही आपका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या होता है, क्यू गुणे 2L। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आपका दो बिंदु आवेश दिया है, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना दिया है, 2L दिया है। तो यही आपका परिभाषा में बोल रहा है कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, P बराबर आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अल्पतम दूरी क्या दिया है, 2L, और एक आवेश का परिमाण क्यू लिया गया है, तो यह इसी को लिख सकते हैं P, यहाँ से P बराबर 2Q × L। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो मात्रक होगा, यहाँ पर देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा, और यल क्या होता है, तो यल आपका क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लेंथ है, ये आपका लंबाई, लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका मात्रक कूलाम मीटर हो जाएगा। और बीमा क्या होगा, तो देखिए यहाँ से इसका जब बीमा निकालेंगे, तो बीमा देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से क्यू दिया है। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, I × T होता है, यानी कि यहाँ से विद्युत धारा गुणे समय। तो आवेश यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्यू को जब हम लिखेंगे I × T और × L हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए I एम्पियर का क्या होता है, A होता है, और टाइम का क्या होता है, T, और L का क्या होता है, L। ठीक है, मीटर का L होता है, तो यहाँ से आपका यहाँ पर जब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L T A हो जाएगा, तो A आपका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका यहाँ पे दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए फ्रेंड, जो आपका टॉपिक दिया है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आपका देखिए यहाँ पे बोल रहा है परिभाषा में कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई, तो जब भी आपका प्रति एकांक बोलता है तो आपान में आप कितना लिखेंगे, यल लिखेंगे। तो किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय आवेश, यहाँ पर देखिए रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू अपान में यल, इसी को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसका मात्रक निकाला जाएगा तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका फार्मूला होगा, यहाँ से लैम्डा इजिकल टू क्यू बाई यल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका यहाँ पर दिया है आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं और इसका मात्रक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न।
देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका देखिए फ्रेंड्स जो आपका तीसरा प्रश्न दिया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। देखिए इसके पहले वाले में क्या था, प्रति एकांक लंबाई, तो इसमें हम क्या लिए थे, अपान में यल, और इसमें आपका बोल रहा है कि किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक बोल रहा है तो अपान में हम ए लेंगे, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिग्मा बराबर होता है फ्रेंड्स क्यू अपान में ए होता है, क्या होता है, क्यू अपान में ए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान में ए, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति यहाँ से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न दिया था कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका चौथा प्रश्न दिया है कि सम विभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो देखिए सम मीन्स क्या होता है, बराबर, और विभव मतलब क्या होता है, जो विभवांतर होता है उसका जो मान होता है वो आपके हर जगह पर क्या हो, समान हो। तो देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान होता है, उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपका सम विभव पृष्ठ बनाया गया है जिस पे यहाँ पे इसके प्रत्येक बिंदु पर, यदि यहाँ पर बात किया जाए इसके प्रत्येक बिंदु पर, तो जो आपका क्यू का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, हर जगह पर आपका क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका ये आपका मान लीजिए आवेश है, तो इसके हर एक पृष्ठ पर क्या होगा कि विभव का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, समान होगा। उसके बाद से देखिए आपका प्रश्न में बोल रहा है कि सम विभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसका विशेषताएं क्या होती है, यानी कि सम विभव पृष्ठ की विशेषताएं। देखिए फ्रेंड्स विशेषताएं इसकी पहला जो होता है कि सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, यानी कि इसकी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। सम विभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर है। अब देखिए यहाँ पे कि दो सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यहाँ पे देखिए एक भी जो यहाँ पे खींचा गया है सम विभव पृष्ठ, ये यहाँ पे किसी को भी एक दूसरे को कभी यहाँ पे काटेंगे नहीं। उसके बाद देखिए किसी परीक्षण, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षण आवेश को सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका रहा सम विभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका पांचवा प्रश्न दिया है कि लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। और जो आपका लॉरेंज बल होता है फ्रेंड्स, देखिए लॉरेंज बल यह बराबर क्या होता है, तो यह बराबर होता है फ्रेंड्स क्यू वीवी साइन थीटा होता है, क्या होता है, क्यू वीवी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका लॉरेंज बल यह बराबर हो जाएगा क्यू वीवी साइन थीटा। देखिए इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो आपका होता है यफ वेक्टर बराबर में Q इंटू यहाँ पर देखिए V वेक्टर इंटू यहाँ पर देखिए क्रॉस B वेक्टर होता है, तो ये आपका होता है वेक्टर फॉर्म। यदि आपका प्रश्न में पूछेगा कि इसका वेक्टर रूप लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका लॉरेंज बल है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, और यह बराबर क्या होता है, क्यू वीवी साइन थीटा होता है। अब चले देखते हैं सिक्स नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सिक्स नंबर प्रश्न दिया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिपथ कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि जो आपका देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेशन के जैसे बनाया गया है, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लोज इंटीग्रल, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका फाई, यहाँ पर देखिए क्लोज इंटीग्रल फाई बी वेक्टर यहाँ पर इंटू में डीएल बराबर में क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में आई होता है, क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में आई। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स एम्पियर का परिपथीय नियम। अब चलिए देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका सातवां नंबर प्रश्न दिया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी कि जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए यानी कि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब देखिए इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, यानी कि लंबवत मतलब क्या होता है 90 डिग्री पर कंपन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका गुण क्या होगा, यानी कि इसमें आपका देखिए दो प्रश्न पूछा था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इनके गुण लिखिए। तो देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज होगा यानी कि गुण यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश का वेग देखिए प्रकाश की जो चाल होता है फ्रेंड्स वो आपका कितना होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद देखिए दूसरा बोल रहा है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे जो आपका परिभाषा है इसमें भी आपका बताया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनके देखिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप इसके गुण में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है कि इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। उसके बाद से देखिए जो आपका फोर्थ नंबर पॉइंट है कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इनके गुण। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स जो आपका आठवां नंबर प्रश्न दिया है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि देखिए यहाँ पे जबकि कुंडली में एकांक धारा क्या हो प्रभावित हो रही हो। तो देखिए जो इसका सूत्र होता है यल बराबर में क्या होता है ई अपान में डेल्टा ई अपान में डेल्टा टी। यदि देखिए यहाँ पे डेल्टा ई अपान डेल्टा टी का मान 1 हो, यानी कि यहाँ पर आपका देखिए परिभाषा में बोल रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। एकांक का मतलब जब भी आपका बात करेगा यानी कि एकांक धारा यानी कि जो आपका डेल्टा आई का मान होगा वो आप कितना होगा 1 लेंगे, कितना लेंगे 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यल बराबर में ई अपान डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी फार्मूला होता है, और यदि यहाँ पर देखिए डेल्टा आई अपान डेल्टा टी का मान यदि हम 1 लेंगे तो देखिए इसके जगह पर यदि हम 1 रखेंगे तो यल बराबर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। तो इसका देखिए इसका जो मात्रक होगा इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है हेनरी होता है, और इसका जो बीमा होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स यम यल टू टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस का 2 होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है, यानी कि स्वप्रेरण गुणांक एक आपका होता है अनन्य प्रेरण गुणांक। तो चलिए इसके आगे देखते हैं अनन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। देखिए फ्रेंड जो आपका नौवा टॉपिक है कि अनन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अनन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि यहाँ पे जो आपका प्रथम कुंडली होगा उसमें एकांक धारा की बात कर रहा है, यानी कि उसमें एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका रहा अनन्य प्रेरण गुणांक। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अनन्य प्रेरण गुणांक का जो फार्मूला होता है यम, देखिए स्वप्रेरण गुणांक को हम यल से प्रदर्शित करते हैं और जो आपका अनन्य प्रेरण गुणांक होता है इसको हम यम से। तो यम बराबर क्या होता है ई टू अपान में डेल्टा आई वन अपान में डेल्टा टी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यदि डेल्टा आई वन अपान डेल्टा टी का मान हम 1 लेंगे तो यम का जो मान होगा यानी कि ई टू अपान में इसका जवाब हम कितना रखेंगे 1, और ई टू में जब इसमें 1 से भाग करेंगे तो आपका यम का मान क्या हो जाएगा ई टू के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो मात्रक होगा वो आपका क्या हो जाएगा हेनरी होगा, और जो आपका बीमा होगा वो आपका होगा यम एल टू टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस का 2। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका अनन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 10वां नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 10 है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो आपके लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र जो होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स कि x1 × x2 बराबर में f1 × f2 होता है, जहाँ पे जो आपका देखिए जो आपका x1 जो होता है वो आपका होता है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और देखिए जो आपका x2 होता है वो आपका होता है द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, जो आपका f1 होता है प्रथम फोकस होता है, f2 क्या होता है द्वितीय फोकस होता है। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि जो आपका x1 होता है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी होता है और x2 क्या होता है द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी होता है। तो ये आपका रहा फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है
देखिए फ्रेंड, ये जो प्रश्न नंबर 10 दिया है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न। देखिए जो आपका 11 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है n बराबर में साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2 होता है। देखिए इस पे इस जो आपका फार्मूला दिया है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इस पे आपके हर साल जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं इस पे पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ए और डेल्टा यम क्या होता है और यन क्या होता है, तो यन तो आपका अपवर्तनांक होता है, ए आपका क्या होता है प्रिज्म कोण होता है, और डेल्टा यम क्या होता है अल्पतम विचलन कोण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा प्रिज्म कोण, यन क्या होता है अपवर्तनांक हो जाएगा, डेल्टा यम क्या होता है अल्पतम विचलन कोण होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका 12 नंबर प्रश्न दिया है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता जो होती है उसको हम दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। देखिए फ्रेंड जो आपका विभेदन क्षमता होता है वो आपका क्या होता है 1/ विभेदन सीमा होता है। यानी कि विभेदन क्षमता बराबर यहाँ से आपका डी अपान में 1.22 इंटू में लैम्डा होता है। यानी कि डी क्या होता है अब जो आपका डी होता है वो आपका होता है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है। क्या होता है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका 13 नंबर प्रश्न दिया है कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए जो आपका परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए जो पहला होता है कि परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है तो चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा आपका है कि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। ये आपका रहा फ्रेंड परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं। अब चले देखते हैं प्रश्न नंबर 14। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 14 दिया है कि उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मुख्य अक्ष के समांतर जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर क्या है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका देखिए किनारों पर क्या हो पतला हो और बीच में क्या हो मोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। ये आपका देखिए F1 क्या है प्रथम फोकस, F2 क्या है द्वितीय फोकस। तो यहाँ पे बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें आती है ठीक है प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस यानी कि F2 होता है। देखिए यहाँ पर F2 क्या है उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस होता है। तो यही आपका रहा फ्रेंड्स उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ ही एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर क्या होती हैं न्यूनतम होती हैं। तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि देखिए फ्रेंड जो आपका प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं व्यतिकरण बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 और टॉपिक को बताने वाले हैं। तो आपके टोटल कितने टॉपिक हो जाएंगे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।